फिक्स डिपॉजिट बन गए। इसका फायदा क्या होगा कि सपोज अगर ये उसने 30 दिन से ऊपर रख लिया, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, तो उसको कहीं ना कहीं ब्याज जो है वो रिस्पेक्ट टू द सेविंग्स और करंट, करंट में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन सेविंग्स या करंट जिसमें भी रखे तो वो वहाँ क्या मिलेगा उसको, एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो नेचुरली लोग कहाँ स्विच करना चाहेंगे, इसमें करना चाहेंगे नॉर्मल करंट रखने से या नॉर्मल सेविंग अकाउंट रखने से। तो मार्केट में कुछ भी चेंज आया तो उसके कारण आप पर ये इफेक्ट आ गया, या मार्केट में कोई नया गाइडलाइंस आ गया, अब आप आरबीआई से कहा गया कि भाई जो इंश्योरेंस आपको रखना है वो हर एक आदमी का 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस होता है, आपके फंड का, आपके पास कोई भी फंड रहे उसका 5 लाख रुपए तक है ना। तो मान लीजिए कि अगर अब उसने अब कहा कि नहीं वो 5 लाख रुपया नहीं रह करके 1 ही लाख रुपया रहेगा, तो लोग अवॉइड करना शुरू करेंगे बैंकों में जाने फंडिंग रखने का। तो ये सारा चीज़ जो है वो डायरेक्ट बैंकिंग नहीं है, लेकिन मार्केट में आने वाले वेरियस चेंजेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका रिस्क का फैक्टर बन जाता है। तो बैंक को ये भी एक मॉनिटर करना पड़ता है कि बैंकिंग में डे टू डे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जा सके। इसलिए बैंकिंग आज की डेट में ईच डे स्टडीज का मैटर हो गया है ना। थर्ड जिसके बारे में मैं जो पहले बताया ना, कोई भी बैंक काम कर रहा होगा उसके लिए डिनोमिनेटर में चेंज करना मुश्किल है। मीन्स अगर 5/4 है, सपोज करते हैं एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, तो ये 1.25 आ गया है ना, ये आपका चेंज हो नहीं सकता है। अगर ये आपका बढ़ जाए 6 हो जाए 1.50 हो जाएगा, ये आपका अगर 8 हो जाए 2 हो जाएगा। मीन्स आपके पास जो चेंजेस आ सकते हैं वो आपके पास कैपिटल के सफिशियंसी से ही आ सकते हैं। दैट मीन्स अ बैंक विच इज बींग स्ट्रांग मस्ट हैव मोर कैपिटल। तो आप इसको एक दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं कि जो बेसल नॉर्म्स है उसने ये इंडिकेटर एक दिया कि कौन सी बैंक कितनी स्ट्रांग है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल टू एपेटाइट देयर रिस्क वाइल वेरियस फंक्शनिंग। वेरियस फंक्शनिंग में ऑपरेशंस भी है, उसमें आपके क्रेडिट भी हैं, उसमें उसकी मार्केटिंग भी है। ये तीन टर्म में एक बार और थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा, और ये तीनों से कंसर्न जो भी रिस्क है वो सभी को एपेटाइट करने की उसमें क्षमता है। इसी को बेसल नॉर्म्स ने कहा, ठीक है। तो आप तीन लाइन में कह सकते हैं, तीनों आप में जो याद रहे। पहला कि बेसल नॉर्म्स क्या बोलता है, तो बेसल नॉर्म्स ये इंडिकेट करता है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अरे बेटा ये तो इन्वायरमेंट है, ये जो है ये आपका इन्वायरमेंट है। कहने का मतलब है, जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया जाए कि शहर में कितने सारे बैंक काम कर रहे हैं, कॉपरेटिव या आरआरबीज भी काम कर रहे हैं। हम ऑपरेशनल रिस्क में एक रिस्क लें कि किसी का भी अकाउंट हैक हो सकता है, सपोज करें ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट होता है, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये आपके आरआरबी में भी हो सकता है, एचएसबीसी बैंक में भी हो सकता है और एचडीएफसी में भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जो न्यूमरेटर है रिस्क वेटेड एसेट जो है वो कॉमन है, रिस्क वेटिंग जो है वो सब में कॉमन है, वो होगा ही होगा। लेकिन अब अगर इसमें अगर कौन सी बैंक बचेगी, तो बैंक कौन सी बचेगी जिसके पास ज़्यादा कैपिटल हो। इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि आँख बंद करके बैंक लोन अपना जो है वो लोन करते रहे, या आँख बंद करके लोन हैक करवा अकाउंट हैक करवाते रहे और अपना कैपिटल बढ़ाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अलग अलग और पैरामीटर्स है, लेकिन बेसल नॉर्म्स जो आपको इंडिकेट करता है वो यही इंडिकेट करता है कि भाई आपके पास उतनी सफिशियंट फंड होनी चाहिए कि आप वेरियस रिस्क जो आपके मार्केट में, आपके पास किसी भी हालत में कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम के पहले हम लोग इसको इससे जो तीन पॉइंट और हम लोग कह रहे थे, हालांकि वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको एक मिनट के लिए कह देता हूँ। देखिए रिजर्व मैंडेट अगर वहाँ पूछ देता है, हालांकि आज की डेट में 43 टाइप्स का रिस्क आ गया है, ठीक है, 43 टाइप्स का रिस्क, लेकिन तीनों का जो रूट है, इंटरनेशनल रिस्क है आज की डेट में, कंट्री रिस्क है आज की डेट में। जैसे अभी देखिए हम लोगों ने, हमारी जो इंडिया है वो क्या फेस किया, उसने कंट्री रिस्क फेस किया। क्या हुआ, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो लास्ट ईयर डिलीवरी नहीं हो सकी थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो चिप्स मिलता है वो चिप नहीं मिल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो नहीं मिल रहा था और गाड़ियों की डिलीवरी नहीं हो रही थी।
क्योंकि उसके लिए जो कंट्रीज हैं दे आर इन्वॉल्व इन, चाहे वो जॉर्डन हो चाहे वो आपका रशिया हो, उन लोगों के पास क्या था, वो लोग अपने लड़ाई में इशू में थे। अब तो और भी कंट्रीज आ रहे हैं, पेट्रोलियम का लेके इशूज़ आएंगे, क्योंकि अब फिर दो कंट्री बटेंगे तो फिर कोई ना कोई सेगमेंट लेना पड़ेगा कि आप इस साइड जाओ या उस साइड जाओ। अब इंडिया ने इनिशियली कह दिया है कि भाई हम जो है वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे, तो नेचुरली जितने भी ओपेक कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्री बेस्ड रिस्क हैं, ठीक है। खैर वो अलग चीज़ हो गई, बेसिक यही था, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्रेडिट नाम से ही समझ में आ रहा कि वैसा कोई भी लेंडिंग जिसको आपने किया और ड्यू टू एनी रीज़न वो रिपे नहीं हो सका, ठीक है। बैंक ने ऐसा कोई भी लोन किया जिसमें कि किसी भी रीज़न, वो नेचुरल हो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस हो, जिस भी कारण से लेंडिंग अगर नहीं हो पाई, मतलब रिपेमेंट नहीं हो पाया, तो वो आपका क्रेडिट रिस्क का पार्ट होता है, बनाई जाती है। पर कुछ सेक्टर्स जिसको कि बैंक जो है वो चाहती है कि वो कंट्री के ग्रोथ के लिए, ओवरऑल जो हमारे पास ह्यूमन पावर है उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वैसे लोगों के लिए वो क्या करती है कि उसको मैंडेटरी पार्ट बनाती है, खास करके जो रूट से लोग जो जुड़े हुए हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेसिक जॉब्स को देते हैं उसको कहते हैं, उसके लिए वो क्या करती है, रिस्क में मैंडेटरी, क्रेडिट में मैंडेटरी कराती है, जिसको हम लोग PSL कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं, है ना। उसमें भी फिर अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, लेकिन क्रेडिट में मेनली यही चीज़ आती है। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होती है कि जब आप डे टू डे मार्केट में एक्टिविटी करते रहते हैं तो वेरियस चेंजेस आते हैं मार्केट में, और वो चेंजेस ऐसे होते हैं जिसका कि इफेक्ट आप पर डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पड़ने लगता है। जैसे सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए लास्ट ईयर जब IC के चिप्स नहीं मिल रहे थे, तो डिस्पाइट कि लोग चाह रहे थे गाड़ी खरीदें, गाड़ी मिल नहीं रही थी, और गाड़ी मिल नहीं रही थी तो बैंकों के पास डिमांड नहीं हो रहा था, है ना। तो ये पार्ट बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग कहाँ से शुरू होती है कि भाई कुछ ही ने लोन के लिए रिक्वायरमेंट मांगा और आपने उसको लोन दिया। बट ये ऑपरेशनल कहने का मतलब मार्केट में कुछ चीज़ें चेंज हुई, जिसको कि हम लोग मार्केट रिस्क भी कहते हैं, सॉरी ऑपरेशनल, ये मैं गलत बोल गया, ये नहीं, ये इसको मार्केट रिस्क की बात हो रही है। मार्केट में अगर कोई एक्टिविटीज से कोई चीज़ें चेंज हुई, है ना, मीन्स जैसे अभी हमने गाड़ी की बात कही, तो गाड़ी में अगर कोई चीज़ों का चेंज हुआ, उसकी प्राइसेस में, उसकी डिलीवरी में कुछ अगर कंस्ट्रेंस है, तो ये डायरेक्ट बैंकिंग नहीं है। क्योंकि बैंकिंग का काम कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर कोई लोन के रिक्वायरमेंट के लिए आए और उसको हम लोन ना दे पाए किसी रीजन से, तो यहाँ पर बैंकिंग की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। बैंक चाह रही थी लोन करना, लोग चाह रहे थे कि गाड़ी लें, लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट, क्योंकि मार्केट के पास कई और कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको कि वो नहीं फुलफिल कर पा रहा था, और